मैं इहदा विश्वास नहीं करांगा, मैं इहदा भरोसा नहीं करांगा। एक कहावत है कि भट पया सोना जिहड़ा कन्ना नूं खावे। सानू ऐसा राज नहीं चाहिदा, सानू ऐसी ऐशो इशरत ते समान साधन नहीं चाहिदे। जदों साडे गुरु नूं जिहड़ा है वह अपमानित किया जाए, साडे गुरु नूं बेइज्जत किया जाए, सानू वह राज नहीं चाहिदा। जिस राज दे विच साडे गुरु नूं अपमानित किया जाए, सानू वह सुख आराम नहीं चाहिए। जिस सुख आराम दे विच साडी साडे गुरु नालों दूरी बने। किन्नियां कमजोर हो गई ने साडियां संस्थावां, मैं देखना होवे तां आ पंज चार दिन पहला वर्ती घटना जिहड़ी है वह सानू दसदी है कि किन्नियां कमजोर हो गई। बैठे ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह धामी और 10 मिनट बारिश के भिजते ने पैन वास्ते बाहर नहीं आता। वह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जी की दहाड़ के नाल दिल्ली का तख्त हिलदा सी, अज इन्नी कमजोर कर दी है कि दिल्ली का लाला जिहड़ा उन्हां नूं बाहर आके नहीं मिलदा। यह साडी कमजोरी नहीं है तो होर की है। मैं प्रधान साहब बैठे कहना चाहांगा कि कोई लोड़ नहीं है लेलड़ियां कढ़न दी। इन्नी पेतली हालत कर दी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कि मुख्यमंत्री जरूरत नहीं समझता कि मेरा एक अफसर जिहड़ा है वह जाके प्रधान तो मैमोरेंडम लै लवे। बेशक श्री गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी ने पांच भौतिक तन दे विच समा बहुत थोड़ा गुजारिया, पर उस थोड़े जिने समय दे विच ही जो उन्होंने ज्ञान दिता है, जो उन्होंने महान सिक्ख्या दिती है, वो अपने आप दे विच बेमिसाल है, लामिसाल है। श्री गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी जिन्हां ने तहैया किया कि असी उस दिल्ली के बादशाह औरंगजेब मलेश के मथे नहीं लगना है, और नहीं लगे। हालांकि औरंगजेब ने श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी को भेज के अपने हलकारे दिल्ली बुलाया कि मैं मिलना चाहना, पर श्री गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी एको गल आखते सी इस बादशाह दे मत्थे नहीं लगना, क्योंकि इस बादशाह दे मूंह दे विचों निकले हुक्म दे नाल श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत हुई है। इस बादशाह दे राज दे विच छोटे साहबजादियां नूं नीहां दे विच चढ़ के शहीद किया है। औरंगजेब ऐसा जालम, ऐसा बादशाह से जिसके राज दे विच चारे साहबजादे शहीद होए, जिसके राज दे विच श्री गुरु तेग बहादुर साहब शहीद होए, जिसके राज दे विच पता नहीं किन्ने फकीर शहीद होए, बेनवा फकीरां दा पता नहीं किन्ने को दा कतल किया। और ऐसे बादशाह औरंगजेब जी के हाथ लहू दे विच भिजे हुए सन, जिहड़ा गल गल तक मासूमा दे लहू दे नाल डुबिया होया सी, ऐसे बादशाह नूं श्री गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह ने मिलनो इनकार कर दिता। ये श्री गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह दी दलेरी सी, दृढ़ता सी। अज जदों असीं अपने समें दे अंदर झात मारदे हां ते साडी जिहड़ी हालत है वो बड़ी पेतली पै चुकी है, साडियां संस्थावां जिहड़ियां ने वो बड़ियां चरमरा गईयां ने। और एक गल चेते रखना, पेतली साडी हालत उस वक्त ही हुंदी है जदों असीं गुरु तो दूर हो जाने हैं या गुरु ते भरोसा नहीं करदे, गुरु ते विश्वास नहीं करदे। जिन्ना चिर सिख का विश्वास गुरु ते रहिंदा है उन्ना चिर गुरु का तेज सिख नूं मिलदा रहिंदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा ना कि जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा, जब गहे विपरण की रीत मैं ना करो इनकी प्रतीत, जदों तक खालसा न्यारा रहेगा
धार्मिक तौर पर न्यारा रहेगा, समाजिक तौर पर न्यारा रहेगा, आर्थिक तौर पर वखरा रहेगा, उच्चा उठेगा, राजनीतिक तौर पर न्यारा रहेगा। मैं इन्हां नूं तेज देंगे, पर जदों ये विपरण की रीतां दे विच फस जाएगा, अपना न्यारापन गवा लेगा, मैं इहदा विश्वास नहीं करांगा, मैं इहदा भरोसा नहीं करांगा। अज साडी हालत पतली इस करके हुई है क्योंकि गुरु साडा साडे ते भरोसा नहीं कर रहा, भरोसा इस करके नहीं कर रहा क्योंकि असीं गुरु दे रहे नहीं, असीं गुरु दे रहे नहीं। साडियां संस्थावां जिहड़ियां ने उह चरमरा रहियां ने, साडियां संस्थावां चरमरा रहियां ने, इस करके चरमरा रहियां ने क्योंकि असीं कमजोर हो गए हां। साडियां कमजोरियां कारण साडियां संस्थावां जिहड़ियां ने चरमरा रहियां ने, साडियां गलतियां कारण जिहड़ियां ने साडियां संस्थावां चरमरा रहियां ने। एक कहावत है कि भट पया सोना जिहड़ा कन्नां नूं खावे। सानू ऐसा राज नहीं चाहिदा, सानू ऐसी ऐशो इशरत दे समान साधन नहीं चाहिए। जदों साडे गुरु नूं जिहड़ा है वह अपमानित किया जाए, साडे गुरु नूं बेइज्जत किया जाए, सानू राज नहीं चाहिए। जिस राज दे विच साडे गुरु नूं अपमानित किया जाए, सानू सुख आराम नहीं चाहिए। जिस सुख आराम दे विच साडी साडे गुरु नालों दूरी बने, फिर गुरु साडे ते रहमत करूगा, फिर साडा गुरु साडे ते कृपा करूगा। किन्नियां कमजोर हो गईयां ने साडियां संस्थावां, जे देखना होवे तां आ पंज चार दिन पहलां वर्ती घटना जिहड़ी है उह सानूं दसदी है कि किन्नियां कमजोर हो गईयां ने। आ बैठे ने श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह धामी, दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सबका दो प्रधानों के सहित मेमोरेंडम लैके जाते हैं केजरीवाल मुख्यमंत्री जिहड़ा दिल्ली का उहदी कोठी के अगे, और दस मिनट बारिश के भिजते हैं वह पैण वास्ते इन्हां नूं बाहर नहीं आउंदा। वह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहदी दहाड़ दे नाल दिल्ली का तख्त हिलदा सी, अज इन्नी कमजोर कर दिती है कि दिल्ली का लाला जिहड़ा इन्हां नूं बाहर आके नहीं मिलदा। इन्नी पेतली हालत कर दी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कि मुख्यमंत्री जरूरत नहीं समझता कि मेरा एक अफसर जिहड़ा है वो जाके प्रधान तो मेमोरेंडम लै ले। ये साडी कमजोरी नहीं है तो होर की है। मैं प्रधान साहब बैठे कहना चाहांगा कि कोई लोड़ नहीं है लेलड़ियां कढ़ने दी, साडा वक्त साडा इतिहास लिख रहा है। असीं उस वक्त लेलड़ियां नहीं कढ़ियां जदों साडे बंद बंद कट्टे जा रहे सी, असी उस वक्त लेलड़ियां नहीं कढ़ियां जदों साडियां खोपड़ियां लै रहियां सी, उस वक्त असी लेलड़ियां नहीं कढ़ियां जदों लाहौर दे बंदी खानियां दे विच साडियां औरतां दे सामने उन्हां दे बच्चे शहीद किए जा रहे सी। साडे बंदी सिंह शहीद, साडे कौमी जरनैल है, योधे है, वह जेलां दे विच बैठे है, असी उन्हां दी रिहाई की मंग कर रहे हैं, मंग करनी है। जे नहीं वह करते तो परवाह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वक्त साडा इतिहास लिख रहा है। आने वाले 100 साल बाद 200 साल बाद दुनिया पढ़ूगी, दुनिया समझूगी, दुनिया देखूगी। जिवें अज देखती है कि किवें छोटे साहबजादियां नूं नीहां च शहीद किया गया, किवें भाई तारू सिंह जी की खोपड़ी लई, किवें भाई मनी सिंह जी के बंद बंद कट्टे गए। 100 साल बाद 200 साल बाद इस हकूमत के मुंह के उत्ते साडा इतिहास जिहड़ा है वह थुकूगा कि किवें उस हकूमत ने उमरां गवा के सजावां पूरियां करके भी जेलां दे विच जिहड़ा वह बैठे रहे, लेकिन हकूमतां ने रिहा नहीं कीते। ये साडा इतिहास बन रहा। मैं बहुता लंबा समा नहीं लैना, मैं एक गल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब बैठे ने इन्हां नूं कि समुचे वर्ल्ड के दुनिया भर के सिख गुरद्वारियां के प्रधानों नूं गुरद्वारा कमेटियां नूं अज दे इस मंच तों एक अपील जरूर करनी चाहांगा कि अपने अपने गुरद्वारा साहब के दरवाजे के अगे इन्हां बंदी सिंघां दीआं तस्वीरां दे सहित फ्लैक्स बोर्ड लाओ। और लिखो कले कले बंदी सिंह बारे कि कितना समा हो गया बंदी खाने च बैठिया, जेल च बैठिया, और केड़ी सरकार है जिहड़ी इहनूं रिहा नहीं कर रही। हिंदी च लिखो, अंग्रेजी च लिखो, पंजाबी च लिखो, और दुनिया भर दीआं सिख संगतां जिहड़ियां गुरद्वारे मत्था टेकण आउंदियां ने वह पढ़न साडे इन्हां फ्लैक्स बोर्डां ते लिखे हुए इतिहासां नूं।
जानन कि की हो रहा है साडे नाल। मैं ये अपील दुनिया भर दे, चाहे वह अमेरिका के सिख ने, कनेडा के सिख ने, चाहे वह आस्ट्रेलिया के सिख ने, चाहे पूरे भारत के सिख ने, पंजाब के सिख ने, मैं उन्होंने ये अपील करना चाहूँगा कि अपने अपने गुरद्वारा साहब के दरवाजे के अगे प्राइम लोकेशन के उत्ते एक एक फ्लैक्स बोर्ड जोड़ा है वह इन बंदी सिंह के बारे जरूर जोड़ा है वह लिख के लावे। असी शहीदी जोड़ में लियाउणगे साडे दो दो चार चार लख दे कट्ठ हुंदे आ। मैं सिख संस्थावां नूं कहूंगा कि उन्हां कट्ठां दे विच स्कूलां दे बच्चां दे हत्थां दे विच बंदी सिंघां दी रिहाई दीआं तख्तियां फड़ा के खड़ाओ। दुनिया देखे, संसार देखे, दिल्ली दीआं सड़कां दे उत्ते तख्तियां खड़ा के बच्चियां नूं हत्थ दे विच फड़ा के दिखाओ। दुनिया इंटरनेशनल मीडिया देखे कि साडे नाल हो की रिहा है। मैं ये अपील करनी चाहूंगा सिख संस्थावां नूं, गुरुद्वारा कमेटियां नूं, और किसी के दर से जाके मेमोरेंडम खास तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के दरवाजे के अगे जाके मेमोरेंडम देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल लोड़ नहीं है, कोई जरूरत नहीं सानू इन्हां दे दरवाजे के उत्ते जाके अपीलां करन दी, मेमोरेंडम देने दी। मैं इन्ने शब्द आप जी नूं कहना चाहुंदा सी। अज एक बारी फिर श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी का प्रकाश पुरब है। मैं इस प्रकाश पुरब दियां आप सारियां संगतां नूं बहुत 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 बधाइयां दिंदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।